हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्वागत है आपका गुरुनीति 180 वर्सेस 180 के अंदर। और आज की श्रृंखला इकोलॉजी 6, जिसमें मैं बीएल चौधरी और मेरे साथ आप समझते हैं सर हैं एमएम बल्डोदिया सर। बिल्कुल इकोलॉजी को बिल्कुल आपको अकॉर्डिंग एनसीईआरटी एकदम सीक्वेंस ने संडे और मैंने बिल्कुल आपको एक एक लाइन आपको बता दी और आप एक तरह से क्विक रिकैप और जो आपके चार चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर हैं 13, 14, 15, 16 है, यानी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसको बिल्कुल हम सारे आपको कंप्लीट भी कर दिया रहा, बिल्कुल एक क्विक रिकैप एग्जाम की क्वेश्चंस के साथ में और कॉन्सेप्ट के साथ में। तो देखिएगा, शुरू किया जाए सर। क्वेश्चन नंबर 151, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आयु संरचना का ज्यामितीय प्रतिनिधित्व एक विशेषता है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि जो एज पिरामिड है या एज स्ट्रक्चर है वो पॉपुलेशन का कैरेक्टर है, क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर एक एज के मेंबर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, डिफरेंट एज ग्रुप्स वहां प्रेजेंट होंगे। तो तीन एज ग्रुप होते हैं, तो सर बता दीजिए कि एज पिरामिड, तीन एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एज पिरामिड कैसे बनते हैं। देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव होगा बच्चों, आप सब जानते हैं प्री रिप्रोडक्टिव के बाद रिप्रोडक्टिव होगा, और आप ये भी जानते हैं कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूट यही करता है करंट स्टेटस में, और उसके बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, उन डिफरेंट एज ग्रुप्स का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, दैट विल कॉल एज द एज पिरामिड, और उस एज पिरामिड को ही आप एज स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इकोसिस्टम का कैरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन है। सिमिलरली बायोटिक कम्युनिटी भी नहीं हो सकता, वो पॉपुलेशन होगा डेफिनेटली। लैंडस्केप जो है वो भी अपने आप में एक बायोम हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एरिया हो सकता है या कोई पर्टिकुलर हैबिटेट हो सकता है। सो ऑब्वियस है इसमें भी कम्युनिटी एग्जिस्ट करेगी। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड। नेक्स्ट प्लीज सर। क्वेश्चन नंबर 152, द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज ऑन एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग रेनी सीजन फॉलोड बाय इट डिसअपीयरेंस एट द एंड ऑफ सीजन, व्हाट डज दिस शो। भाई, वर्षा के दिनों में एक कीट की समष्टि संख्या में विस्फोटक वृद्धि दर्शाती है तथा इसके बाद मौसम के अंत में यह समाप्त हो जाती है, क्या दर्शाता है। तो देखिएगा कि रेनी सीजन में कुछ टाइम पीरियड के लिए इंसेक्ट के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हो जाते हैं, उस समय वो जेसैप कर्व शो करेगा, और जैसे ही सीजन का एंड होगा रिसोर्सेज या अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तो तेजी से गिरेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए जेसैप कर्व आपका होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, द पॉपुलेशन ऑफ एड्स प्रीडेटर इंक्रीज एनावर्सली, आप समझे इसके परभक्षक की समष्टि तेजी से बढ़ती है, ऐसा नहीं है। एसेप्ड और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व ऑफ दिस इंसेक्ट, ऐसा भी नहीं है। द फूड प्लांट मैच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन, ऐसा भी नहीं है। और इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज ऑफ जे सेप, तो बिल्कुल ये है। देखिए ये क्या प्रदर्शित करता है, पूछा गया। इस क्वेश्चन में दो स्पेसिफिक बातें हैं। सबसे पहली बात, एक्सप्लोजिव इंक्रीज दे रखा है बच्चों, जहां विस्फोटक वृद्धि लिखा हो ऑलवेज आपको जे सेप कर्व ही मिलेगा, बिकॉज इट represent the exponential rate of the increase. तो lag और log, ठीक है। और दूसरा इस क्वेश्चन में सेगमेंट है, इसके बाद मौसम के अंत में यह समाप्त हो जाती है, तो मौसम के अंत में यह समाप्त हो रही है, मतलब एग्जैक्टली ये अचानक डिसअपीयरेंस में नहीं गई है, मतलब सडन डिसअपीयरेंस यह नहीं आया है। सडन डिसअपीयरेंस तब आ सकता है जब कोई डिजास्टर हो, किसी तरीके का इकोसिस्टम कोलैप्स होने वाली कंडीशन हो, तो ये डिक्रीज यहां हुई है। तो ये डिक्रीज क्यों हुई है, ऑप्शंस आपको दिए, जैसा सर ने अभी पढ़ा था कि इसके पॉपुलेशन के जो प्रीडेटर्स है वो अनऑर्मसली इंक्रीज होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। फिर कह रहा है ऐसा आकार कोई मतलब इसका नहीं है। यहाँ दो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे आपको डिस्कस करना है। भोज्य पादप विकसित होते हैं तथा वर्षा के मौसम के अंत में वो मर जाते हैं, तो क्या फूड मटेरियल की कमी हुई तब वो जो है वो अंत में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ डिक्रीज ये शो नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी डिक्रीज के बारे में बात यहाँ नहीं की गई है। अगर डिक्रीज के बारे में बात की जाती तब आप ये मटेरियल को यहाँ रेफर कर सकते थे। तो ये कह रहा है इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ऑफ जे, ये क्या प्रदर्शित करता है, ये जे कर्व का ग्रोथ प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 153, द फिगर गिवन बिलो इट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर, व्हाट डू ए बी एंड सी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। तो यहां ए बी तथा सी किसको प्रतिदर्श हैं, तो आपके सामने जो ग्राफ है बेटा आप समझ सकते हो कि यहां पर देखो, जब इंटरनल लेवल कांस्टेंट हो, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर एंड थर्मोरेगुलेशन और बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो, तो ऑस्मोरेगुलेशन की पावर हो, तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है, रेगुलेटर को रिप्रेजेंट करता है। रेगुलेटर जो होमोस्टेसिस के थ्रू थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन की कैपेसिटी दो फॉर्म हो सकते हैं। फिर आपका बी है वो है कंफर्मर, क्योंकि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग
चेंज होता है और आप समझ सकते हैं कि हो गया कन्फर्मर हो गया, और सी आपका हो गया पार्शियली रेगुलेटर, और एक लिमिटेड रेंज के बाद वो भी क्या हो सकते हैं कन्फर्मर हो सकता है वो ग्राफ आगे। तो देखिए सर, देखिए एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया और इसमें बहुत क्लियर ये है एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल फैक्टर बढ़ा लेकिन इंटरनल जो था वो एक कांस्टेंट पे अभी भी मेंटेन है। एक्सटर्नल बढ़ने के साथ साथ इंटरनल अगर कांस्टेंट है एग्जैक्टली यही होम्योस्टेसिस को रिप्रेजेंट करता है, दे विल बी द रेगुलेटर एंड दे विल बी द फिजियोलॉजिकल रेगुलेटर। रेगुलेटर होने का मतलब यही है कि नेचर में हर एक ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करने का एफर्ट करता है लेकिन रेगुलेटर अल्टीमेटली इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसको आप कहेंगे जिसमें फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी हो। बी जो है वो आप देखिए इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल जो लेवल है वो एक्सटर्नल बढ़ने के साथ साथ कंटिन्यूसली बढ़ा है तो इसका मतलब है ये रेंज को ही एक्सीड कर गया है, ये अपने आप में परफॉर्मर होगा। और फाइनली जैसा सर अभी एक्सप्लेन कर रहे थे सी को अगर आप देखें तो इसमें आप ये देख सकते हैं एक टाइम पीरियड तक जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ता है एफर्ट करता है मेंटेन करने का लेकिन अपने आप में ये मेंटेन कंप्लीटली नहीं कर पाता, ये है पार्शियल रेगुलेटर। तो इस तरीके से आपके पास ए बी और सी हो गया, ए रेगुलेटर वाला ऑप्शन सर देखें, बी कंफर्म, सी पार्शियली, सी पार्शियल रेगुलेटर आंसर हो गया। परिभाषित किया गया है तो देखिएगा होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोवाइड फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म, क्या होस्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे को भोजन प्रदान करता है, डेफिनेटली करता है। फिर लिखा है एमएनसेल इज द रिलेशनशिप इन व्हिच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर बेनिफिट वर्ड लिखते ही एमएनसेल को आप रिजेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आप समझ सकते हैं उसको खा जाता है। Caught, kill, eat. ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट है पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑलवेज लिव्स इनसाइड द बॉडी, ऑलवेज इनसाइड, ये गलत हो गया यहां स्टेटमेंट। तो देखिए यहां हमारे पास दो स्टेटमेंट सही है लेकिन हमें मोस्ट एप्रोप्राइट डेफिनेशन देखनी है। स्टेटमेंट दोनों सही है, सर्वाधिक उचित परिभाषा क्या है ये आपको यहां से ढूंढना है। तो देखो लिखा है MNCL is a relationship in which one species is benefited, ये गलत हो गया था। Host is an organism which provide food to another organism, ठीक है, जनरली करता है लेकिन जैसे कि कुछ ऐसे आप पैरासिटिस को कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया गया, कमेंसलिज्म हो जाएगी, मान लो कमेंसलिज्म के वे में ऐसा नहीं होगा, कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो ही यहां परफेक्ट होगा जिसमें परफेक्ट डेफिनेशन लिखा है। प्रीडेशन के जो प्रोटोकॉल है उसको यहां एक्सप्लेन किया गया है, यहां पैरासिटिस को इनकंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया, इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, Which two of the following changes AD usually tend to occur in the plant develop when they move to high altitude 3500 meter or more? यानी आप समझ सकते हैं बेटा कि प्लेन एरिया से हाई एल्टीट्यूड पर जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो माउंटेन एरिया है जैसे अपन बात करें कि रोहतांग पास है वैसे आप जाते हैं तो कौन से परिवर्तन आने की प्रवृत्ति होती है, यानी इसका मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स आएंगे, एल्टीट्यूड सिकनेस, तो एल्टीट्यूड सिकनेस के उच्च तुंगता जिसको आप कहते हैं, तो एल्टीट्यूड सिकनेस के जो सिम्टम्स हैं वो वहां पर होंगे। तो वहां देख रखा है कि इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज और इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन और इंक्रीज ब्रीथिंग रेट और इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट। तो आप समझ सकते हैं कि थ्रोम्बोसाइट काउंट नहीं बढ़ेगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, साइज नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, नंबर आप कह सकते हैं इंक्रीज होगा। तो देखिए आरबीसी जो है उसका नंबर प्रोडक्शन बढ़ाकर और ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर जो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है उसके साथ ऑर्गेनिज्म कंपनसेट करता है और ये कंपनसेशन इसीलिए आया क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है मतलब ह्यूमन जो है वो क्या है रेगुलेटर है। बच्चों रेगुलेटर्स जो है वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनमें फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है एंड दिस फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन प्रोवाइड द क्विक रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी। बिल्कुल क्लियर, तो आंसर फाइनल हुआ सेकेंड बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड, नीचे दिए गए जा रहे आयु पिरामिड में किस प्रकार की मानव समष्टि प्रदर्शित की गई है। तो ये एज पिरामिड है, तीन एज पिरामिड वहां पर आपको दे रखे हैं। अगर वो ट्रायंगल शेप में है, ट्रायंगल शेप का मीन हो गया कि प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव मॉडरेट एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, नैरो है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन आपका हो गया, वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो करता है। और सेकंड आपका है कि जो बेल सैप है, बेल सैप में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल है,
तो वो आपको शो करता है इस टेबल को। बट यहाँ पर आप देखिए प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, फिर रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये अर्न सैप आपका आ रहा है, अर्न सैप एंड अर्न सैप आपका आ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डिक्लाइनिंग, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये किसको शो करता है, स्टेबल को नहीं करेगा, डिक्लाइनिंग को 100% करेगा, एक्सपेंडिंग नहीं करेगा और वेनेसिंग पॉपुलेशन इसको भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड डिक्लाइन, डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा प्री रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव का जो प्रोपोर्शनल रेशियो है उस पर डिपेंड करता है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग होगी, एक्सपेंडिंग होगी या फिर वो जो है वो स्टेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन। तो देखिए सर, dn upon dt is equals to rn k minus n upon k। देखिए k minus n upon k पहले भी कुछ क्वेश्चंस में हमने आपसे डिस्कस किया है, ये अपने आप में एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है ओवर द बायोटिक पोटेंशियल में। फिर ध्यान दे लें आप, ये अपने आप में पर्यावरणीय प्रतिरोध है, जनिक विभव या जनिक क्षमता जो होती है उसके ऊपर। एक इक्वेशन आपको लिख के दिया है, ये इक्वेशन सही है। दूसरा लिखा है dn upon dt is equals to rn k minus n upon k, k minus n upon k। ये एग्जैक्टली जो दोनों इक्वेशंस है इसमें यहां कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा है। फिर लिखा है dn upon dt is equals to rn। अब देखिए दो टाइप के फॉर्म हम पढ़ते हैं, एक लॉजिस्टिक पैटर्न पढ़ते हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल पैटर्न। यहां पर dt by dn है, यहां पर dn upon, हां dt by dn यहां दे रखा है, सॉरी। तो ये जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है ये दोनों में सिमिलरली रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये एक्सपोनेंशियल के लिए सही, सॉरी लॉजिस्टिक के लिए सही इक्वेशन है, जबकि ये जो है वो एक्सपोनेंशियल के लिए सही इक्वेशन है, जिस पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पुट कर दिया गया k माइनस n अपॉन k के फॉर्म में, वो ग्रोथ अपने आप में ही क्या हो गया, लॉजिस्टिक। और जिस पर ये पुट नहीं किया गया वो डायरेक्टली एक्सपेंड करता रहेगा, वो एक्सपोनेंशियल। सो ने एक्सप्लेन भी कहते हैं k माइनस n अपॉन k क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो देखो ना, इसके लिए जो फॉर्मूला आपका होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एट ए टाइम टी जो एन जीरो है, आफ्टर टाइम टी एन टी, तो आप कहोगे कि एन टी बराबर एन जीरो प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। तो इससे अपन निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ नेटलिटी कितनी है, 250 है, 250, और इमिग्रेशन कितना है 20, तो 270 यहाँ पर आता है, और वहां आप समझ सकते हैं 240 मोर्टलिटी, 30 आपका ई माइग्रेशन है, तो वो भी सेम ही आ रहा है 270। स्टेबल स्टेट रहेगा यहाँ, बिल्कुल कोई चेंज, आने वाले जाने वाले पैदा होने वाले और मरने वाले सब कंपनसेट हो रहे हैं, और ये कंपनसेशन जो आ रहा है दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं इक्वेशन में, इसके कारण आप ये कह सकते हैं नेट जो इंक्रीज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट चेंज इन टू पॉपुलेशन ए एंड बी of herbivores in a grassy field, a possible reason for these changes that, निम्नलिखित ग्राफ एक घासे मैदान में शाखा रेखा की दो समस्याएं ए और बी में होने वाले परिवर्तनों को बताता है, इन परिवर्तनों का संभावित कारण क्या है। देखिए पहले इस ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ एक तरफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्लॉट किया गया है टाइम के साथ। अब जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और टाइम को आप देखते हैं तो इसमें देखिए क्या है, एक कोई ऑर्गेनिज्म ये जो था जिसको आप बी कह रहे हैं, ये बी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है टाइम के साथ, ये इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ए को देखें तो ये टाइम के साथ डिक्लाइन में आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि यहाँ जो इंडिविजुअल्स हैं दोनों ऑर्गेनिज्म के, उनमें आपस में रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन हो रहा है, और इस कॉम्पिटिशन में ए जो है उस ए को डिक्लाइनिंग फॉर्म में ले जाया जा रहा है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी अप्लाई करके ये कह सकता हूँ, इवेंटली दिस विल बी एलिमिनेट, एक टाइम आएगा ऐसा जब इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और बी कंटिन्यूसली यहाँ बढ़ रहा है। तो जो इंटरप्रिटेशन हमें दे रखी है उन इंटरप्रिटेशन को अगर हम स्टडी करें तो ये कह रहा है पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन ए ने अगर बी के मेंबर्स को कंज्यूम कर लिया होता तो ए ऊपर होता, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर कह रहे हैं बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज, ऐसा नहीं है दोनों डिक्रीज नहीं हुई है, आप देख रहे हैं बी बढ़ा है ए कम हुआ है। पॉपुलेशन बी कॉम्पिटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड, पॉपुलेशन
ए डेफिनेटली सक्सेसफुली कॉम्पीट कर रहा है, ए नीचे आ गया, बी सुपीरियर है और ए क्या है इंफीरियर। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स, देखिए ये फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ डिस्कस करने लायक है, पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स देन पॉपुलेशन बी, कि पॉपुलेशन ए ने बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस की होंगी तो बहुत सारे बच्चे, और कुछ लोग आप लॉजिक ये दे सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस की तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में बढ़ गया होगा, ठीक है, तो उस कारण भी ये किस में आ सकता है, पॉपुलेशन बी जो है सॉरी पॉपुलेशन ए जो है वो डिक्लाइनिंग में आ सकता है, लेकिन यहाँ ए और बी आपसे क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है जैसा सर बोल रहे हैं, तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को रेफर करते हुए आपको आंसर यहाँ लेना चाहिए थर्ड। हाँ, फोर्थ एक कारण हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब हम बी के इंक्रीज को छोड़कर सिर्फ ए के डिक्रीज को का कारण ढूंढे कि ए डिक्रीज क्यों हो सकता है, तो इस तरीके से आंसर फाइनल हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली इफेक्टेड, निम्नलिखित से किस पारस्परिक क्रिया में दोनों संगी प्रतिकूल रूप से, इट मीन डेट्रिमेंटल सर, कंप्लीटली डेट्रिमेंटल रिलेशनशिप होगा, तो फिर पैरासिटिज्म प्लस माइनस होता है, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस होता है, कंपटीशन माइनस माइनस होता है, और प्रेडेशन भी प्लस माइनस होता है, हालांकि यहां पर पैरासिटिज्म और प्रेडेशन भी डेट्रिमेंटल है, लेकिन दोनों जो मेंबर हैं वो एडवर्सली अफेक्टेड नहीं होते हैं, कंप्लीट डेट्रिमेंटल नहीं है, हाँ बिल्कुल कंप्लीट डेट्रिमेंटल रिलेशनशिप जो है वो कंपटीशन ही होता है, कंपीट करने से दो ऑर्गेनिज्म जो नेचर में सर्वाइव कर रहे हैं उन दोनों को हार्म होता है, ये आप पे लागू नहीं होती है, आप भी कॉम्पीट कर रहे हैं एग्जाम के लिए, आप लोगों पर लागू नहीं होती है ये बात लागू होती है नेचर पर, इकोसिस्टम पर, क्लियर, तो सर आंसर हो गया थर्ड। 161 क्वेश्चन 161, गॉसेज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट, इस पर दी अप्रोजन का गॉसे नियम क्या कहता है, तो ये पहले भी अपन ने डिस्कस किया, काफी डिस्कस किया है, भाई गॉसे का नियम ये कहता है कि जनरली दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, निकटवर्ती निकट संबंधी है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उनके लिए कॉम्पिटिशन अगर उनमें हो रहा है तो फाइनली अंत समय तक वो एक साथ नहीं रह सकती, किसी एक को वहां से एलिमिनेट जो सरने का है कि वहां पर एलिमिनेट होना पड़ेगा, बट गोसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का जो कंक्लूजन है ये एंटायरली ट्रू नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोएग्जिस्टेंस एक चीज आपने कई बार डिस्कस की है क्लासेस में, हम बहुत सारा डिस्कशन इसके बारे में करते हैं, यहां लिखा है कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस, कॉम्पिटिशन सेम रिसोर्सेज फॉर द सेम रिसोर्सेज, यहाँ तक ठीक लिखा है, लेकिन कह रहा है हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेज, अगर फूड प्रेफरेंसेज डिफरेंट है तो ऑब्वियस है उनके एक्सक्लूड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, फिर लिखा है नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज, ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है कि दो जो स्पीसीज हैं वो सेम निके ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, निके बेसिकली ओवरलैप नहीं होता, अगर ओवरलैप्ड है तो इसका मतलब है दोनों बेस्ट सुटेड कंडीशन में नहीं है, लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन थ्रू द कॉम्पिटिशन, देखिए लार्जर और स्मॉलर का जो है मतलब बॉडी साइज पे डिपेंडेंसी नहीं है कॉम्पिटिशन की, कॉम्पिटिशन की डिपेंडेंसी है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर और अवेलेबिलिटी के साथ साथ ऑर्गेनिज्म के पोटेंशियल पर, फिर लिखा है मोर अबंडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीसीज थ्रू कॉम्पिटिशन, पॉसिबिलिटी है कर दे, लेकिन गॉसे के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है या डिफाइनिंग फॉर्म है वो यहाँ सेकंड आंसर हो जाएगा, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके इनडेफिनेटली For the same limiting resources. So answer हो गया आपका second. बच्चों यहाँ से एक बात आपको सीखने को ये मिल रही है, Gaussian competitive exclusion principle वही लागू होता है जहाँ resources limited होते हैं, ये ध्यान रखें कि option dream कर सकता है क्लब, ठीक है, अगले पे चलें सर 162. If plus sign assigned to beneficial interaction, sign minus sign to detrimental and zero sign to neutral interaction, then the population interaction represented by plus minus refers to प्लस और माइनस से जो रेफर किया जाता है वो क्या है इनमें कौन सा है, देखो अंतर जातीय परजीविता एमएन सेल इज जीरो माइनस है, बिल्कुल कॉमन सेल इज आप जानते हैं जीरो प्लस है, बिल्कुल पैरासिट इज प्लस माइनस है और म्यूचुअल इज प्लस प्लस है, हमें यहाँ पूछा गया है जो प्लस माइनस से रेफर किया जाता है वो आपके पास एक ही आंसर है पैरासिट इज, जैसा अभी एक पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप है लेकिन कंप्लीटली डेट्रीमेंटल ये नहीं है। नेक्स्ट सर 163, माइकोराइजा आर द एग्जांपल ऑफ, कवक मूल किसका उदाहरण है, तो आप समझ सकते हैं कि एमेंसलिज्म का नहीं है, एंटीबायोसिस का नहीं है, म्यूचुअलिज्म, तो यहाँ पर क्या होगा म्यूचुअलिज्म का ही होगा, क्योंकि जो हायर प्लांट के रूट है फॉर एग्जांपल पाइनस, वहाँ पर जो फंगल हाइपी हैं उनका म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है, तो वो किसको शो करता है म्यूचुअलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से एग्जाम में पूछा गया, फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी का हमने जो डिस्कस किया था उसमें भी काफी बातें हमने इसमें की थी, तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल होगा, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट द माइकोराइजल एसोसिएशन, ये प्लांट फिजियोलॉजी में मेंशन है। नेक्स्ट निकेत, बहुत अच्छा क्वेश्चन, निकेत क्या है,
तो द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लाइव, तापमान का वह पड़ा जो जीव रहने के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है। द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लाइव, ये बिल्कुल सही, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लाइव, यानी एक ही हैबिटेट में दो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं बट सेम निक्के होना उतना पॉसिबल नहीं है। निक्के उसका वहां पर प्रोफेशन है, किस टाइप के रिसोर्स को यूटिलाइज करता है, और एक रेंज जिस पर वो टॉलरेट करता है, तो रेंज और टॉलरेंस साथ में किस टाइप के रिसोर्स को यूटिलाइज करता है, उसका फंक्शन रोल नेचर में क्या है, वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकंपोजर है, उसको शो करता है निक्के। लेकिन यहाँ एक काम की बात और मैं सर बच्चों से डिस्कस करना चाहूंगा। निक्के यहाँ लिखा है, ये कह रहा था रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लाइव। डेफिनेटली निके में जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो डेफिनेटली उसी टेम्परेचर को या उसी ऑप्टिमम रेंज को रिक्वायर करेगा जिसमें वो अपना फंक्शनल स्टेटस बेस्ट कर सके। या डिफाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेकंड आंसर मिलेगा, लेकिन फर्स्ट जो है यहाँ टेम्परेचर रेंज दिया, डेफिनेटली वो भी वहां वैसा ही होगा। ठीक है, फिर लिखा है फिजिकल स्पेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, डेफिनेटली फिजिकल स्पेस है। जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ बेस्ट सुटेड कंडीशन में हूँ तो ये फिजिकल स्पेस में कोई ना कोई ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, तो ये फिजिकल स्पेस हुआ, ये टेम्परेचर हुआ, डेफिनेटली किसी इकोलॉजिकल निके में अच्छे स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जैसा सर ने यहाँ मार्क किया, वो फंक्शनल रोल में उन सबको मिला के आएगा और सबकी हेल्प से फंक्शनल रोल में आएगा। सो द बेस्ट सुटेड एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स फंक्शनल रोल, उसकी को आप क्या कहेंगे, निके। इसको बच्चों अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, कई बार कई अलग अलग तरीके से इस पे क्वेश्चंस आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है सैप्रोफाइट, मर्तोपजीवी जो है, तो सैप्रोफाइट बट आप जानते हो कि जो डेटिटस होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड रिमेन्स होते हैं, प्लांट और एनिमल के जो पार्ट होते हैं जी, उनको आप समझ सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। देन है पैरासाइट, तो पैरासाइट आप जानते हो लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल, तो आप समझ सकते हैं कि प्लांट एनिमल होस्ट के फॉर्म में होगा और पैरासाइट उसके ऊपर लिव करेगा। फिर आपका लाइकेन, तो लाइकेन आप समझ सकते हो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, और माइकोराइजा भी आपको बताया सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट्स, इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर, ये हायर प्लांट्स की रूट होती हैं जो जैसा आपने काफी पहले डिस्कस कर लिया, तो इस तरीके से कॉलम मैच आप कर लें। नेक्स्ट 166, Which one of the following ecosystem type has the highest annual net primary productivity? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होगी? NPP यहाँ पूछा गया है। देखिए पहले टेम्परेट दे दिया, दो ऑप्शन टेम्परेट के हैं, दो ट्रॉपिकल के हैं, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट को अगर आप कंपेयर करें तो टेम्परेट वाले ऑप्शन को आप सीधा क्रॉस कर सकते हैं। फिर आपके पास ट्रॉपिकल के दो ऑप्शन बचे हैं, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप समझ सकते हैं कि जो एनपीपी होती है इस पूरे बायोस्फीयर की, जो सबसे ज्यादा एनपीपीओ किसकी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है, सेकंड नंबर पे कोरल रीफ होती है, और अगर अपन मैन मेड इकोसिस्टम में जाएं तो फिर आप समझ सकते हो कि सुगर कैन फील्ड की भी 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आपकी होती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उसकी आती है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में 4 से 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया में। अब एक अच्छी बात सर हम यहाँ डिस्कस करें, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे आइडिया लग गया होगा, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, हमने बोला नहीं बताया नहीं इसीलिए, जिससे आप अपने आप को चेक कर सकें। लेकिन आपको एक अच्छी बात ये मिलेगी कि इससे पहले के जो 5 पेज है उसमें हमने हमारे बायो डीटीएस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और ये एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे के ऐसे बहुत सारे या सिमिलर फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको उस बायो डीटीएस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर बहुत थीम बेस्ड काम किया जाए तो डेफिनेटली अप्रोच जो है वो सिमिलर होती है, सिमिलर आपको मिलती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरे सामने इसमें ईयर नहीं लिखा है, किस ईयर में पूछा गया था, आप कंपेयर कर लें, जो ईयर है वो देख लें और बायो डीटीएस में ये क्वेश्चन कहां मेंशन किया गया वो भी देख लें, आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली काम क्या किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब फिर आपको बता ही दिया गया है, तो आप थोड़ा सा फिर और अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, एग्जाम के क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं जिससे ऑप्शंस के आसपास का जो कंटेंट और इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके। हाँ सर, नेक्स्ट 67, नेक्स्ट 167, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कनेक्टिंग फूड चेन, भोजन फूड चेन, और भोजन श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट आपका रिमूवल ऑफ 80% टाइगर फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, एक क्षेत्र से 80% बाघों का निष्कासन वहां की वनस्पति में तेजी से वृद्धि का परिणाम देता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर टाइगर्स को वहां से हटा दिया जाएगा तो हर्बीवोरस ज्यादा हो जाएंगे और ग्रेजिंग, हां और ग्रेजिंग करेंगे वो, तो आप समझ। अब देखो यहां मैंने जो ये मार्क लगाया ये सर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, 80% टाइगर्स को आपने रिमूव कर दिया, एरिया रिजल्टेड इन द ग्रेट इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन की ग्रोथ में इंक्रीज कब आता है, जब टाइगर की जगह आप किसको रिमूव करते हैं, डियर। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये होती है, अब टाइगर को आपने रिमूव कर दिया तो नंबर किसका बढ़ेगा, डियर का, और इसका बढ़ा तो ऑब्वियस है वेजिटेशन जो इंक्रीज होनी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज।
नेक्स्ट नेक्स्ट रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोरस रिजल्टेड इन एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर अधिकांश मांसाहारियों के निष्कासन हिरणों की समष्टि में वृद्धि का परिणाम होता है। मांसाहारियों को अगर आप निकालेंगे इसका मतलब देखो अभी जो ऊपर बात की जा रही थी टॉप कंज्यूमर्स जो हैं उनको निकालोगे तो ये डियर जो है बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा था लेंथ ऑफ फूड चेन जनरली लिमिटेड 3 टू 4 ट्रॉफिक लेवल्स ड्यू टू एनर्जी लॉस। ठीक है, बात करेक्ट है। और द लेंथ ऑफ फूड चेन मे वेरी फ्रॉम 2 टू 8 ट्रॉफिक लेवल्स। ना गलत बात, 8 ट्रॉफिक लेवल तक तो एग्जिस्टेंस ही नहीं मिलेगा। एनर्जी फ्लो का 10% का लॉ आपने पहले पढ़ रखा है, इसके अलावा आप जानते हैं कि रिड्यूसिंग अमाउंट है। और हम ये भी जानते हैं इकोलॉजिकली टॉप ट्रॉफिक लेवल्स में जो ऑर्गेनिज्म होती है वो लीस्ट एफिशिएंट होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास बी और सी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, फर्स्ट आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 167 168 स्टडी द फोर स्टेटमेंट एडी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम। वे चार खतरों में से दो को आपको सही को चुनना है। तो देखिए सर, इन लॉयन ईटिंग अ डियर स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर्स। ऐसा नहीं होगा, वो इकोलॉजिकल सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि एक आप समझते ट्रॉफिक लेवल T2 से रिलेट होगा, एक ट्रॉफिक लेवल T3 आपका T3 पे होगा। जैसे ये स्पैरो जो है वो सीड खा रही है तो ऑब्वियस है ये प्लांट्स पे सीधी डिपेंडेंसी है। और दूसरा कह रहा है लॉयन ईटिंग ए डियर तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे लॉयन होगा, और सॉरी थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे लॉयन को मेंशन हम कर सकते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हम डियर को मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों एक ही ट्रॉफिक लेवल पे हैं लेकिन फीडिंग हैबिट्स इनके डिफरेंट डिफरेंट कनेक्ट कर रहे हैं। प्रेडेटर स्टारफिश स्पाइसेस हेल्प इन द मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सब इनवर्टिब्रेट्स। देखिए डेफिनेटली होगा क्योंकि आप ये जानते हैं जो प्रेडेटर होता है वो प्रे की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के साथ साथ जो कम्युनिटी डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करता है। Predators ultimately lead to extinction of the prey species. जो predators हैं ultimately वो prey species के extinction को lead करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने कहा था prudent है वो। Prudent. NCERT की सबसे important line बच्चों इसमें आपको ध्यान रखनी है। जो predators हैं, they are the prudent. और उनके prudent होने का ही मतलब ये है कि वो जरूरत से ज्यादा अपने संसाधनों को, अपने prey को, शिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं। Most efficient नहीं होते हैं। Production of chemicals such as nicotine है, strychnine है by the plant are metabolic disorders. ये डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। प्लांट ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व करने के लिए इन सारे टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज किया था, और ये जो रिलीज था प्लांट्स का, केमिकल सब्सटेंसेस का जो रिलीज था, इससे प्लांट अपने आप को डिफेंड करने के साथ साथ हमें भी कमर्शियली बेनिफिट दे पाए। तो इस तरीके से आपके पास जो ऑप्शन है उनको चेक कर लें एक बार सर, आंसर हो जाएगा। देखिए बी यहाँ सही दे रखा है आपको, और ए जो है वो स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन उनकी फूड कनेक्टिविटी अलग अलग है, अलग अलग है लेकिन ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे वो अलग अलग है, इकोलॉजिकली दोनों कंज्यूमर है इसलिए इसको कंसिडर किया गया है। तो ए बी बी यहाँ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉफिक लेवल इन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। किसी एक समय पर किसी दिए गए क्षेत्र में एक पोषण स्तर पर जैव पदार्थ की मात्रा क्या होगी। तो आप समझ सकते हैं अपने आपको बताया था कि चाहे पर्टिकुलर एरिया के अंदर सारे ट्रॉफिक लेवल पे लिविंग बायोमास हो और चाहे एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल का लिविंग बायोमास ऑर्गेनिक मैटर हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडिंग क्रॉप को। तो स्टैंडिंग क्रॉप या बायोमास वहां पर हो जाएगा, तो डेट्रिटस नहीं होगा क्योंकि लिविंग बात है, ह्यूमस नहीं होगा, स्टैंडिंग स्टेट नहीं होगा, ऑर्गेनिक नेट ऑर्गेनिक मैटर है तो स्टैंडिंग क्रॉप ही आंसर हो जाएगा। कड़ी फसल सस्य फसल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। कौन सा जो है वो एक फंक्शनल यूनिट नहीं है। देखिए प्रोडक्टिविटी फंक्शनल है, स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चरल है, एनर्जी फ्लो फंक्शनल है, डीकंपोजिशन फंक्शनल है। तो स्ट्रेटिफिकेशन यहां पर क्या हुआ, स्ट्रक्चरल हो गया, तो आंसर विल बी सेकंड। सेकंड स्ट्रेटिफिकेशन आपने खूब डिटेल में पहले पढ़ रखा है, बहुत सारा हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 171 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायो केमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। देखो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक इशू उठता है, हम सल्फर को और फास्फोरस को दोनों को गैसियस फॉर्म में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें बच्चों फास्फोरस हवा में नहीं उड़ता है, मतलब फास्फोरस का गैसियस एग्जिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा जबकि सल्फर का मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन में जब आपको लिख के दे दिए तब आपको क्या करना चाहिए, ऑब्वियस है आपका पहला आंसर यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट में आपका जाएगा 4। ये कह रहा है गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है, ये नाइट्रोजन कार्बन गैसेस होते हैं और सेडिमेंट्री होते हैं फास्फोरस सल्फर, बट इसमें भी अगर मोर करेक्ट पूछ रहे जाता आंसर क्या होगा फास्फोरस। ये सल्फर जो है वो गैसेस एग्जिस्टेंस रखता है इसलिए इसको आप काउंट करेंगे, यहां आपसे पूछा नॉट ए गैसेस तो आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस। नेक्स्ट 172
The second stage of hydrosyre is occupied by plant like जलारंभी अनुक्रमण की दूसरी अवस्था में इस प्रकार के पौधे प्रकट होते हैं। देखिए बेटा कि फर्स्ट में वहां पर आप जानते हैं जो पाइनियर प्लांट पाइनियर के फॉर्म में वहां पर पाइनियर कम्युनिटी के फॉर्म में आते हैं फाइटोप्लैंक्टन जो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ऑसियंस भी हैं, ग्रेट प्रोड्यूसर्स हैं, एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स हैं। डायटम बीजी पाइनियर प्लांट फाइटोप्लैंक्टन। देन आप समझ सकते हैं कि जो सिरल स्टेज है तो सेकेंड वहां पर जो स्टेज होती है सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, जल निमग्न पौधे सबमर्ज्ड प्लांट आपके वेलेसनेरिया और आप समझ सकते हैं कि हाइड्रिला ये आपको हो जाएंगे। और फिर फ्री फ्लोटिंग आता है, फ्री फ्लोटिंग के बाद रीड स्वैम्प आता है, मास मिल्डो आता है, स्क्रब आता है, देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी का होता है, फॉरेस्ट होता है। तो ये या वेलेसनेरिया आपके पास वो ऑप्शन है जो सेकंड सीरियल स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, सबमर्ज्ड प्लांट्स की कैटेगरी में यहां मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड। अब देखिए रैबिट कंज्यूमर है, अब कंज्यूमर जो भी बनाता है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों। तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा क्योंकि प्रोड्यूसर का पूछा नहीं आपसे, कंज्यूमर का पूछा। यहाँ रैबिट देखो यहाँ पीसी प्राइमरी कंज्यूमर है और वो सल्लोज को डाइजेस्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है सर, बाकी के तीन ऑप्शन आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ही दे रखे हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सीधा लिखा है बच्चों, कोई डाउट होगा ही नहीं। एक एनपीपी लिखा है, एक जीपीपी लिखा है, दोनों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में। नेट प्रोडक्टिविटी एक लिखा है, उसको डिफाइन नहीं किया गया कौन सी नेट होगी। वैसे नेट को प्राइमरी रेफरेंस में हम लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 174. Which one of the following processes during decomposition is correctly described? अपघटन के दौरान घटित होने वाली कौन सी प्रक्रियाओं का सही वर्णन किया गया है? देखिए कैटाबोलिज्म है, वो कह रहा है लास्ट स्टेप इन द डीकंपोजिशन अंडर फुल्ली एनएरोबिक। गलत बात है, एनएरोबिक होती है, गलत ऑटो रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, राइज नहीं होते, दे लीच, दे विल लीच, लीच डाउन, डीप डीप लेयर सॉइल हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन कैरीड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज द अर्थवर्म, ठीक है। फिर लिखा है ह्यूमिडिफिकेशन लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस व्हिच अंडरगोस माइक्रोबियल एक्शन इज वेरी फास्ट। नाउ ह्यूमस जो है वो माइक्रोबियल एक्शन के लिए रेजिस्टेंट होता है क्योंकि वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो यहां आपके पास सही आंसर आएगा फ्रेगमेंटेशन कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज द अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 गिवन बिलो इज सिंपलीफाइड मॉडल ऑफ फास्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद फोर ब्लैंक ए टू डी आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स। हमने बायो डीटीएस के जो आपसे एपिसोड्स डिस्कस किए थे उसमें दो तीन क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है सर हमने डिस्कस कर रखे हैं। अब इसमें फिर भी वो कह रहा है आपसे ए से डी खाली है पहचानिए, तो सबसे पहले तो देखो हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, ए से डी छोड़ो हम साइकिल पे सीधा आते हैं। आप यहां से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा ये प्रोड्यूसर्स हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, इनको कंज्यूमर्स ने काम में लिया। अभी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स देखिए दोनों का एरो दिखाया गया तो डेफिनेटली ये डेड हो जाएंगे, तो यहाँ डीकम्पोजर आना चाहिए। ये जो डीकम्पोजर्स है ये इनको डीकम्पोज करेंगे तो सॉइल सॉल्यूशन में मिनरल न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। इसके अलावा सॉइल सॉल्यूशन में विदरिंग प्रोसेस के थ्रू, जैसे मान लीजिए रॉक फॉस्फेट है, फॉस्फोरस को इन्वॉल्व करना है, तो विदरिंग प्रोसेस के थ्रू वो ही न्यूट्रिएंट्स यहाँ आ रहे हैं। यहाँ इस सॉइल सॉल्यूशन से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो लीच डाउन हो सकते हैं या रन ऑफ हो सकते हैं। तो हमें जो ए टू डी यहाँ पूछा गया है, देखिए ए यहाँ डीकम्पोजर है, फिर सर इसके बाद में बी आपको जो पूछा गया है ये सेडिमेंट्री रॉक जो भी है मतलब जिसका रिजर्वर सेडिमेंट है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, सी जो आपको दे रखा है वो प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करता है, और डी इसमें जो मेंशन किया गया है, डी इसमें क्वेश्चन में मार्क नहीं दिख रहा है मुझे, डी मुझे लगता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखा गया होगा, कहीं रन ऑफ पे लिखा गया होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देख लेना, ऑप्शन आपका डिक्टेटस हो गया, बी रॉक मिनरल हो गया, सी प्रोड्यूसर हो गया, और ये आपके सी तक ही है, तो आप आंसर क्या ए बी सी इसमें दे रखा है, थर्ड हो गया जी। नेक्स्ट नेक्स्ट 176 सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस होने, सेकेंडरी सक्सेशन कहां पे होगा ये भी हमने सारा डिस्कस किया था पहले। लेकिन न्यूली कूल्ड लावा प्राइमरी सक्सेशन को रिप्रेजेंट करेगा, बेयर रॉक प्राइमरी सक्सेशन होगा, डिग्रेडेड फॉरेस्ट सेकेंडरी सक्सेशन होगा, न्यूली क्योरेटेड फ्रंट प्राइमरी सक्सेशन होगा। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, बर्न्ड फॉरेस्ट है, कटेड फॉरेस्ट है, वहां पहले से एडाफिक फैक्टर्स की प्रेजेंस होती है, सॉइल की प्रेजेंस होती है, इसलिए वहां सेकेंडरी सक्सेशन इनिशिएट होगा। ऑर्गेनिक मैटर होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट 177 मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशन वाटर आर, ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वो कैसे होते हैं? तो टर्सरी कंज्यूमर है, रेट्रीवर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि वहां सेडिमेंट मटेरियल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेट्रीवर्स ज्यादा से ज्यादा ये होनी चाहिए। डेट्रीवर्स आपको दिया गया, डीकम्पोजर्स आपको ऑप्शन में दे सकता है, वो भी आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए टर्सरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर के बजाय डेट्रीवर्स आंसर है। नेक्स्ट 178 ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान क्या होता है? तो बायोटिक कम्युनिटी का कैरेक्टर द नंबर एंड द टाइप ऑफ एनिमल रिमेन कांस्टेंट, ऐसा नहीं होगा क्योंकि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, इंक्रीज,
द चेंज लीड टू कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड इट्स कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो ये कह रहा है देखो नियर इक्विलिब्रियम यहां तो ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो इक्विलिब्रियम के बजाय नियर इक्विलिब्रियम होती है क्योंकि बायोटिक कम्युनिटी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है The gradual and predictable change in species composition occur in a given area. किसी जाति की संरचना में कार्मिक और पहले से बताया जाए समय परिवर्तन के एक क्षेत्र में होते हैं। बिल्कुल सही है। Evolution में अपन पहले कुछ भी नहीं बता सकते लेकिन succession में अपन बता सकते हैं। The establishment of a new biotic community is very fast its primary phase. ऐसा भी नहीं है। Very fast नहीं किया जा सकता। Primary मतलब pioneer का establish होना तो बहुत ज्यादा slow यहाँ होता है। इसलिए सबसे ज्यादा time जो है सबसे ज्यादा time यही consume करता है। Next 179 which of the following is correct for r selected species bahut acha question tha neat 2016 ka r selected species r chayanit jatiyon ke bare mein nimn se kaun sa sahi hai large number of progeny with large size nahi ho sakta small number of progeny with small size ye isko galat kar raha hai small number of progeny with large size aur large number of progeny with small size answer will be R value को अगर high बताया गया, R selected अगर कहा गया तो definitely biotic potential high होगा। इसका मतलब है number ज्यादा होगा। अब जब number बढ़ेगा तो size definitely reduce हो जाएगा। अगर large size है, large size अगर organism है तो obvious है biotic potential या R का value गिरेगा। तो आप ये कह सकते हैं large size होगा तो number reduce हो जाएगा। इस केस में आप इसको कहेंगे K selected species जो succession में भी हम पढ़ते हैं। इसको R selected और K selected दोनों आपको पता होना चाहिए। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन करके एक टॉपिक आपको दिया है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में वहां ये मेंशन कर रखा है और वहां चारों बातें आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक बार ही प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, एक बार संतानोत्पत्ति करते हैं, जैसे बैम्बू है, बांस है या आप जानते हैं सैल्मन फिश है, और जो एक से ज्यादा बार करते हैं। अब उनमें से दो आपके कैरेक्टर वहां लेने होंगे। एक से ज्यादा बार जो करते हैं वो अगर बड़े आकार की करेंगे तो कम संख्या में और अगर छोटे आम आप की करेंगे तो अधिक संख्या में। तो आर को आप जानते हैं कि बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट 180 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड सामान्यतः जो उल्टा होता है तब उल्टा वो होगा जिसमें आप ये कहेंगे नंबर और बायोमास जो है वो दोनों डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऐसा होता है। सीधा आपके पास एक ही ऑप्शन यहां दे रखा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी क्योंकि वहां जो बायोमास की पिरामिड है एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो सी या लार्ज पॉन्ड के अंदर तो इन्वर्टेड होते हैं और जो स्मॉल पॉन्ड या लेक आ जाए तो फिर आपके क्या हो जाएगा फ्यूजी फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर सीधा आंसर क्या हो गया सेकंड जी। तो स्टूडेंट्स ये था इकोलॉजी का एपिसोड 6 जिसमें हमने गुरु नीति के इस एपिसोड में एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लिए और उसमें भी हमने ऑप्शंस के आसपास की सारी बातें डिस्कस की और एक सबसे अच्छी बात जो हमें देखने को मिली जो हमारे लिए भी सुखद है और आपके लिए भी मुझे लगता है सही होगी कि हमारे जो बायोडिटीज का पहला जो डिस्कशन हमने 5 एपिसोड्स में रखा था उनके जो क्वेश्चन से काफी अच्छी रेलिवेंसी यहाँ आपको मिल रही है। एक और लास्ट एपिसोड के साथ हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इश्यूज की जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं उनके साथ आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय द इकोलॉजी। बिल्कुल, और आप हमारा बायोकेम डीटीएस जो है सीएलसी का बहुत ही एक बीट द नीट नाम से हमारा एक बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र है तो आप हमारा बायोकेम ज्वाइन भी कर सकते हैं और मेन डीटीएस भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, मेजर पेपर से होंगे और बिल्कुल एक थीम बेसिस क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।